आप सबको स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं 21 अप्रैल के शुरुआत में। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी जन्म पत्री क्या थी, इस जन्म की नहीं, 5000 वर्ष पहले आप कितने 84 के चक्र में 84 जन्म कितने ले चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं आप, और आपका कैरेक्टर बिहेवियर, आपका पार्ट क्या था पिछले जन्म में, अगर आपको ये आस्ते आस्ते पता चलना शुरू हो जाए, जो कि कोई इंसान तो बता नहीं सकता है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं परमपिता परमात्मा के द्वारा। ब्रह्म कुमारी हम ये सीखते हैं कि स्व का दर्शन करो और चक्र फिराओ। चक्र फिराओ मतलब कि मैं आत्मा सत्युग में कैसे थी, मैं आत्मा त्रेता में कैसे थी, मैं आत्मा द्वापर में क्या हुआ मेरे साथ में, फिर कलयुग में भी मैं क्या कर रही थी, अब मैं आ गई हूँ संगम युग में। तो परमात्मा हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में बताते हैं, उसमें ये नहीं बताते कि आप कहाँ पैदा हुए थे, कितने अमीर थे, गरीब थे, क्या थे, किसके घर में पैदा हुए थे, आपने फिर क्या ना। परमात्मा बताते हैं कि हमारा ओवरऑल पार्ट कैसा था, हमारा ओवरऑल नेचर कैसी थी, हमारी ओवरऑल कैरेक्टर कैसा था, हम किस प्रकार के ह्यूमन बीइंग्स थे, किस प्रकार की आत्माएं थे हम, ये हमें परमात्मा बताते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है हम किस प्रकार की आत्माएं थे, तो हम फिर से वो बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आदि था, दुनिया की आदि, सत्यमल आदि। तो आदि में अगर हम पवित्र थे और अंत में अभी कलयुग है, इसमें अगर हम अपवित्र बन गए हैं, तो हमें कैसा बनना चाहिए? राइट, हमें वैसा ही बनना चाहिए जैसे हमें परमात्मा ने बनाया था, और वो फिर से वैसा बनाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। स्व का दर्शन हो जाएगा ना आपको। कई लोग क्या करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जिसमें कि वो पता करने की कोशिश करते हैं कि हम पास्ट लाइफ में क्या हुआ था मेरे साथ में, क्या क्या था। एंड स्पेशली वो सारी चीजें तब आती हैं जब कोई बीमारी होती है जो छूटती नहीं है, तो पता करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट लाइफ में मैंने किसके साथ में क्या किया जो कि मेरी बीमारी छूट ही नहीं रही है। तो वो भी चीजें करते हैं, चेन्नई एंड ऑल में, साउथ में ये होती हैं चीजें। लेकिन परमात्मा हमें एक बड़े स्केल पर लॉन्गर टर्म में ये चीजें बताते हैं कि जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि उनको एक रोल है जो कि बहुत लंबा प्ले करना है, उस रोल में उनको हीरो पार्ट अदा करना है, विलन का नहीं। उनको पता चलता है उनको किस प्रकार से कितनी सारी आत्माओं के साथ में पार्ट प्ले करना है। फिर परमात्मा कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। अब सत्युग में क्या पार्ट प्ले किया मैंने, देवी देवता का, त्रेता में क्या पार्ट किया क्षत्रिय का, फिर द्वापर में क्या पार्ट किया पुजारी का, पार्ट किया वैश्य का, फिर कलयुग में क्या पार्ट प्ले किया मैंने, बिल्कुल विकर्मी पापी शूद्र का, है ना, और संगम युग में फिर ब्राह्मण बनने की पूरी कोशिश परमात्मा की शक्ति के द्वारा। तो अगर हमें पता चल जाए कि हमने क्या क्या पार्ट, क्या क्या रोल्स प्ले किए हैं, तो हमें आसान हो जाता है हमें बनना क्या है। फिर से कलयुग इम्प्योर से सत्युग प्योर बनना है। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। कोई आपको अगर बता दे कि आपने सबसे पहले दुनिया में इस धरती पर पैर रखते हुए पहले जन्म में आपने क्या पार्ट प्ले किया था, तो कैसा रहेगा? और ये बता कौन सकता है? कोई गुरु नहीं बता सकता है, कोई गोसाई नहीं बता सकता है। इसलिए धर्म पिता जो भी आए थे, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे गौतम बुद्धा हो, चाहे आपके और शंकराचार्य जी हो, गुरु नानक देव जी हो, वो आपको अपने पिछले जन्मों के बारे में बता नहीं सकते। तो इसलिए किसको आना पड़ता है धरती पर बताने के लिए? परमपिता परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है और बताना पड़ता है। ये 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें आप सत्युग में देवी देवता थे, फिर आप क्षत्रिय बने, फिर आप वैश्य, फिर शूद्र बने, और आपको फिर से मैं बनाने के लिए देवी देवता आया हुआ हूँ। इसलिए अपने सारे शरीर के धर्मों को भूलो कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, क्योंकि अब आपको देवी देवता बनना है। तो देवी देवता जो थे वो ना हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, वो आत्मा कॉन्शियस थे, सोल कॉन्शियस थे, प्योर थे, डिवाइन थे। तो ये चीजें सीखनी हमें ब्रह्म कुमारी में सिखाई जाती है। फिर परमात्मा कहते हैं, आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में, अब अंतिम जन्म की बात क्यों हो रही है, क्योंकि समय कम है, हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। हीरे तुल्य, अभी हम कोयले जैसे बन गए, काले, सोच कोयले जैसी हो गई है। अब इसको कोयले को क्या करना है, ज्ञान के हैमर से पीट पीट करके हमें अपने आप को क्या बनाना है, डायमंड जैसा पवित्र बनाना है और फ्लॉलेस डायमंड बनाना है जितना हो सके। और हमें बनाने वाला कौन है, वो हमारे ऊपर प्रेशर हर दिन डालने वाला कौन है,
कौन बताने वाला है कि समय कम है, कौन बताने वाला है कि कलयुग का अंत का समय चल रहा है। ये प्रेशर जो डालते हैं परमात्मा, ये प्रेशर क्यों डालते हैं, ताकि जो कोयला है वो दब दब के क्या बन जाए, डायमंड बन जाए। तो ये चीजें परमात्मा हमें सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें, और ये दुनिया में कहीं पर भी किसी शास्त्र में लिखी नहीं हुई कि कितने साल पहले हम इस दुनिया में आए थे और सारे धर्म कब कब नीचे धरती पर उतरते हैं। ये सारी चीजें ब्रह्म कुमारी में आकर के परमपिता परमात्मा शिव ही आकर समझा रहे हैं। आप भी जाइए ब्रह्म कुमारी सेंटर और इस ज्ञान को धारण करें। ओम शांति इसके साथ।